करते हैं सेशन को देखते हैं कि क्या कैसे और किस तरह से पूछा जा रहा है तो शुरू करें सेशन को एक बार फटाफट से मैसेज कर दीजिए और काफी देर की जद्दोजहद के बाद में फाइनली क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है वॉइस वॉइस सब क्लियर है तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मैंशन करते हैं. देखते हैं कि क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है ठीक है तो आई होप सो कि आप रेडी होंगे सो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ठीक है तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे आपसे पूछा जा रहा है कि वर्सल जो होता है 3.0 वो वो बेसिकली क्या क्या है है तो क्या एक प्रकार का नेचुरल या फिर सिंथेटिक नॉन एब्सॉर्बर है सिंथेटिक एब्सॉर्बर है या फिर नेचुरल नॉन एब्सॉर्बर है तो ये आप लोगों से यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है ठीक है तो बताओ देखिए ये क्या है अगर हम 3.0 की बात करते हैं तो पहली बात तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा बेसिकली ये जो है वो आप लोगों का एक प्रकार का सिंथेटिक uh, एब्जॉर्बल जो है वो यहाँ पर होता है है ना एब्जॉर्बेबल है और इसकी अगर हम बात करते हैं तो सेच्योर uh, जो है वो मटेरियल जो है वो क्या होता है बेसिकली तो स्टार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर लिगेंड ब्लड वेसल्स एंड एंड्रोक्सीमेट टिश्यू एंड द क्लासिफिकेशन की बात करते तो एब्जॉर्बल तो, विसरल और पीडीएस और मोनोसाइक्रिल के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं नॉन एब्सॉर्बल की बात करते हैं तो नाइलोन हो गया प्रोटीन हो गया है ना सिल्क हो गया ठीक है प्रोलिन और सिल्क और ये सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी नेक्स्ट चीज की बात करते हैं तो नेक्स्ट चीज भी आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रॉपर दिखाई दे रही होगी uh, देखो तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विर्सल जो है वो ये 70 ml वाला 3.0 वाला ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है विर्सल जो है एब्जॉर्बर है होता है सिंथेटिक होता है और ब्रेडेड सेचर और मटेरियल मेड बाय uh, कॉपलो माइराइजेशन फॉर द ठीक है तो ये यहां पर रहेगा और अगर हम बात करते हैं थ्री ओ जो है वो इज द यूज ऑफ द जनरल सॉफ्ट टिश्यू इट टेक 50 टू सेवेंटी डेज है ना टू गेट डिजोल्व तो ये भी आपको ध्यान रखना है छप्पन से हम लोग बात करेंगे कि भाई सत्तर डे के अंदर जो है ये डिजोल्व होता है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला प्रश्न जो है वो आप लोगों से क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई डॉक्टर ने यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर प्रिस्क्राइब द पेडियाट्रिक चाइल्ड एज अ फॉलो द 50 एम फ्लू ट्रांसफ्यूड ओवर द 10 मिनट्स ए ड्रॉप रेट ऑफ द फिफ्टीन एम पर आर इन थर्टी मिनट वॉट विल बी द फ्लो रेट ठीक है इसके लिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है और शायद ये आप सभी को पता भी होगा बहुत अच्छे से कि इसका जो है वो बेसिकली फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा देखिए बताओ देखें किसी ने तो पढ़ा होगा इसके बारे में फॉर्मूला क्योंकि विदाउट फॉर्मूला आप लोग जो है इस फ्लो रेट को आप लोग चेकआउट नहीं कर सकते हो अगर आप फ्लो रेट के लिए फॉर्मूला की अगर आप बात करते हो तो वो एक बार हम लोग जो है वो हाँ पर देख लेते हैं फॉर्मूला जो है वो आपका रहता है वॉल्यूम वॉल्यूम और 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 जो है 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 वो मिनट ठीक अपने पास में पर क्या दिखाई दे रहा मिनट्स इसमें फंक्शन को हमको ऐड करना होता है भाई अब हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में वॉल्यूम एम जो की बात करते तो पचास दे रखी है ठीक है वॉल्यूम एम अपना कितना दे रखा है भाई पचास दे रखा है मिनट की बात करते तो मिनट आप लोगों से कितना पूछा था मिनट आप लोगों से पूछा था दस uh, मिनट के अंदर है ना और अपने तीस मिनट आप लोगों से वैसे पूछे हैं तो बेसिकली अगर आप ऑन एन एवर अगर आइडिया निकालते हो तो ये आइडिया पहुंचेगा आपका पच्चीस के आसपास में तो जो रेट आप लोगों से पूछे फ्लोरेट वो आपकी कितनी हो जाएगी ट्वेंटी हो जाएगी यहाँ पर दे भी रखा है कि फ्लोरेट जो है वो क्या है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यूजली एक्सप्रेस्ड इन एम पर आर भी हो सकता है एम पर मिनट भी हो सकता है और एम पर सेकेंड भी हो सकता है

हाँ जी कि क्या यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली करेक्ट आंसर रहेगा बताओ क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नर्स आस्क इन गिवन थाउजेंड एम ऑफ नॉर्मल सलाइन एट द फ्लो रेट इज 125 ट्वेंटी पर आर हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट दिस फ्लूट चलो जी चलो मैसेज करो फटाफट से कि क्या यहाँ पर रहेगा ऑप्शन दे रखे हैं आठ आठ घंटे यहाँ पे लगेंगे या फिर आप लोगों से बोला जा रहा है कि भाई छः घंटे लगेंगे दस घंटे लगेंगे या फिर बारह घंटे लगेंगे तो यहाँ पर भी वही है आप लोगों से पूछा क्या है फ्लूट कंप्लीट फ्लूट पूछा है फ्लूट रेट पूछी पूछिए सेम फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर इसके लिए लगाना है और आंसर आप लोगों को बताना है कि भाई क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है तो भाई एट आर सिक्स आर

तो फ्लोर रेट क्या है भाई द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एक्सपेंड इन आवर्स मिनट और सेकेंड बेसिकली ड्रिप रेट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ड्रिप्स जो है पर यूनिट और फैक्टर की बात करें तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर यूनिट वॉल्यूम अब फ्लो रेट के लिए फॉर्मूला देखना है तो टोटल वॉल्यूम एम एल इनफ्यूजन टाइम इन्फ्यूजन टाइम की बात करते हैं टोटल वॉल्यूम एम एल और फ्लो रेट इन्फ्यूजन टाइम में हजार और एक सौ पच्चीस तो यहाँ पर कितना आ गया भाई अपना आठ आर जो है वो डेफिनेटली आ जाएगा तो ट्रांसफ्यूज द थाउजेंड

फोर हंड्रेड एम एल फ्लू टू बी गिवन दट एट आवर्स ठीक है बारे में पूछा है बताओ देखे क्या यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा यह भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है

तो इसके अंदर भाई सीधा सा फैक्टर है कि भाई चार सौ तो अपने पास में वो दे रखे हैं साठ से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा छह घंटे और आपके पास में और सिक्सटी और है तो अगर ऑन एन एवरेज अगर आप वॉल्यूम फ्लो रेट के बारे में बात करते हो तो पचास ड्रॉप पर मिनट जो है वो सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा भाई हम लोगों ने कहा भाई फिफ्टीन ड्रॉप्स विल बी द वेरी राइट आंसर अगला प्रश्न ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इन करेक्ट रिगार्डिंग स्टोमा फॉर्मेशन एक्सेप्ट है ना एक्सेप्ट बोला एक्सपेक्ट बोला एक्सेप्ट बोला ठीक है ऑप्शन आपके पास में चार है नियर द्रमियंस स्टोमा इज क्रिएट अ लोअर एबडोमल नाउ स्टोमा शुड बी क्रिएट अवे फ्रॉम द बॉनी प्रोमियंस इफ स्टोमा कैन बी डन एनी वेर बताओ देखिए बताओ देखिए क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा तो ऑल ऑफ़ द फॉलोइंग इन करेक्ट रिगार्डिंग द स्टोमा फॉर्मेशन एक्सेप्ट स्टोमा इज क्रिएटिंग नियर द बॉनी प्रोमियंस स्टोमा इज क्रिएट इन लोअर एब्डोमिनल इन फैटी रीजनल नाउ तो भाई सीधी सिंपल सी बात है कि जब आपसे बोला है कि रिगार्डिंग गलत यहाँ पे पूछा है तो स्टोमा शुड बी क्रिएट अवे फ्रॉम द बॉनी Prominence, तो हमने कहा कि भाई बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो बी पर करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट चीज की बात करते हैं उससे पहले देख लीजिए कि स्टोमा एंड ओपनिंग इन द बॉडी एंड नेचुरल स्टोमा की बात करते माउथ नोज एंड

यूटरस हो सकता है ब्लैडर हो सकता है और रीनल पैल्विस तो रीनल पैल्विस तो वैसे भी हो ही सकता है तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाएंगी अब कुछ नेक्स्ट एज के बारे में बात करें तो भाई प्री ऑपरेटिव स्टोमा साइट मार्किंग इन डन टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट लोकेशन अ प्योरली लोकेशन स्टोमा रिजल्ट इन तो प्लेस हार्डशिप इमोशनल ट्रॉमा ऑन द पेशेंट द स्टोमा साइट शुड बी द 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्की फोल्ड है ना और इसके अलावा प्रियोर स्केर्स ऑन बॉनी प्रस एंड बेल्ट लाइन इट अलाउ फॉर प्रॉपर फिटिंग तो ये सारी चीजें आपको स्ट्रोमा के बारे में ध्यान रखनी है आर्टिफिशियल स्ट्रोमा का आप लोगों के पास मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है ये आप लोगों के जोडनम वाले पोर्शन कॉलन के अंदर दिखाई रखी है स्ट्रोमा शुड नॉट बी क्रिएट द नियर बॉनी प्रोमिन इनकेस ऑफ ऑप्शन Patient's trauma should be in upper abdomen. तो इस तरह से ये आप लोगों को पर ध्यान रखना है। चलो भाई Next question on your screen. क्या यहां पर कहा जा है? है यहां पर. रहा है कि डिप्रेशन प्रोमिनेंट यू वेव एंड इंटरवर्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस प्रेजेंट तो क्या रहेगा देखिए बताओ ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर दे रखा है कि पोटेशियम टू पॉइंट टू है ना या फिर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम और या फिर जो है वो आप लोगों का रहेगा सोडियम ओके नाउ व्हाट विल बी द वेरी राइट आंसर बताओ देखिए क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा तो ए सी जी ऑफ अ पेशेंट इज शोइंग एसटी डिप्रेशन है ना तो पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम या फिर सोडियम तो अगर इसके अंदर हम दिमाग लगाएं अगर तो क्या यहाँ पर रहेगा भाई अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेसिक सी बात है कि पोटेशियम जो कि टू पॉइंट टू बता रखा है जो कि एवरेज से भी बिलो एवरेज हो जाएगा अ टेस्ट यूज ऑफ अ चैक द हार्ट रिदम एंड एक्टिविटीज डायग्नोज एंड मोनिटर द हार्ट कार्ड प्रॉब्लम इलेक्ट्रोलाइक इम्बैलेंस आर आइडेंटिफाइड लेट्स एंड आर अटैच टू द स्किन टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिकल ऑरकल सिग्नल प्रोडक्ट बाय हार्ट वेन इट्स बीट ई सी जी फाइंडिंग ऑफ हाइपोकैलमिया डिप्रेशन फ्लैट एंड द इनवर्ट द टी वेव लेवल्स ऑफ द पोटेशियम की बात करते तो थ्री पॉइंट फाइव जो है वो यहां पर रहेगा इसके अलावा बट ई सी जी चेंज कैन भी दीन वैन द पोटेशियम लेवल लेस देन 2.7 पर वहां पर तो 2.2 दे रखा था तो वो तो वैसे भी नहीं होगा कॉम्प्लिकेशन दर्डिक अरेस्ट ट्रीटमेंट की बात करते तो ओरल एंड द इंट्रावीनस कैप्स पोटेशियम चलो जी चलो और भी यहाँ पर लेवल दे रखे हैं कि कौन सी रेंज के बीच में अपने पास में ये लेवल रहने चाहिए जैसे पोटेशियम का अपनों ने गलत किया ही था ना क्योंकि वो तो 2.2 था 3.5 टू 5 है ना कैल्शियम की बात करते हैं कैल्शियम 8.5 टू हो जाएगा मैग्नीशियम की बात करते हैं हो जाएगा और सोडियम अगर देखें तो वन थर्टी फाइव टू वन फोर्टी फाइव ठीक है तो ये सारी चीजें भी अपनों को किसके बारे में ध्यान रखनी है ये सारी चीजें अपनों को यहाँ पर ध्यान रखनी है सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम लेवल्स जो कि नॉर्मल वैल्यूज जो है वो कितनी होनी चाहिए ओके चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर जो है वो क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आंसर कीजिए पेशेंट इज अंडरगोइंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सप्लाई पेशेंट्स नो कंप्लेंट्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन व्हाट विल बी द प्रायोरिटी द नर्सिंग इंटरवेंशन भाई एज अ नर्सिंग ऑफ स्टाफ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ट्रांसफ्यूजन में तो आप क्या करेंगे पेशेंट को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फर्स्ट आपका इंट्यूशन जो है वो यहां पर क्या होना चाहिए चार ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं कि स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड रिमूव द कैनुला स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड फ्लश विद एनएस कंप्लीट द ट्रांसफ्यूजन एंड द एडमिनिस्ट्रेश एडमिनिस्टर इंजेक्शन एविल या फिर कंप्लीट द ट्रांसफ्यूजन एंड द डिस्कर्ड द बैग तो ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बताओ देखिए क्या यहां पे करेक्ट आंसर है बताओ बताओ भाई क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा तो जब हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट अंडर गोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन है पेशेंट्स को कोई कॉम्प्लिकेशंस ट्रांसफ्यूजन के कारण हो रही है तो द ट्रांसफ्यूजन एंड क्रेन्यूला तो भाई ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा कि आप सडन भी ये नहीं कर सकते लेकिन स्टॉप ट्रांसफ्यूजन एंड फ्लश विथ

सर्कुलेट्री ओवरलोड एंड फैब्रिल नॉन हिमोलाइटिक रिएक्शन सेप्टिक रिएक्शन तो ये सारी, के सारी की सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पर हो सकती है इमिडिएट मैनेजमेंट में बात करते तो स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन सबसे पहले तो फ्लश द विथ एन एस

तो ये भी देख लेते हैं कि स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली बिकॉज द दी ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये तो बात बिल्कुल सही है फ्लश इज टू टू बी डन कैप रियक्शन आईवी लाइन पेशेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इमरजेंसी मेडिकल अब एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन में हम कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्री मेडिकेशन लाइक एंटीपायरेटिक पैरासिटामोल हो गया एंटी हिस्टामिन जो है वो डाइफेड्रीमाइन हो गया एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर डू पेशेंट आइडेंटिफिकेशन ब्लड प्रोडक्ट वेरिफिकेशन प्रॉपरली पीरियड टू ट्रांसफ्यूजन तो ये सारा का सारा प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर करना होता है चलो जी अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर है मैसेज करो क्या यहाँ पर होगा आंसर बताओ फटाफट से बोला जा रहा है कि नर्स टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड हु इज हैविंग द एपिलेप्सी विच नर्स शुड डू इमीडिएटली द एयर वे मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड द साइड लाइंग पोजिशन एडमिनिस्ट्रेड ऑक्सीजन टू चाइल्ड डू नथिंग एंड रिकॉर्ड द एपिलेप्सी टाइप ऑफ ड्यूरेशन एंड इन्फॉर्म डॉक्टर अबाउट द एपिलेप्सी एंड रिकॉर्ड इन नर्स चार्ट तो क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा एज अ नर्सिंग स्टाफ आप लोग क्या यहाँ पर करेंगे तो हम जब बात करते हैं इसकी की टेकिंग केयर ऑफ द एपिलेप्सी तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा एयर वे मैनेजमेंट और प्रोवाइड द साइड लाइन पोजिशन ये सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो है वो करना होगा इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके भी क्या क्या कॉन्सेप्ट है तो वो भी देख लेते हैं भाई एपिलेप्सी ऐसा तो है नहीं कि आज ही पढ़ रहे हैं बहुत बार एपिलेप्सी के बारे में पढ़ चुके हैं अ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स दैट कॉज द चाइल्ड हैव द सीजर्स और फिट्स अब कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके तो इसकी बात करते हैं तो इडियोपैथिक है ना अनॉन स्ट्रोक ये हो सकता है ब्रेन ट्यूमर सीवियर हेड इंजरी ड्रग और अल्कोहल अब्यूज हो सकता है ब्रेन हो हो सकता है. Lack हो सकता है है ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो एयरवे मैनेजमेंट एंड द प्रोवाइड साइडलाइन पोजीशन जो सबसे पहले आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर करनी है फिर क्लीन द एरिया अराउंड द पर्सन टू अवॉइड इंजरी फिर बोला जा रहा है कि रिमूव जो है वो आई ग्लासेस लूजेज टाइट एंड एनी अफेक्ट एंड द कॉल द मेडिकल हेल्प एयरवे मैनेजमेंट एंड साइड लाइंग पोजिशन हेल्प द पर्सन टू ईजी ब्रीथ इसके अलावा आप पहली चीज तो यहाँ पर क्या नहीं कर सकते हो आप माउथ टू माउथ ब्रीथ यानी कि सीपीआर जो है वो यहाँ पर नहीं दे सकते जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अलावा अगर बात करते हैं तो पेशेंट स्टार्ट ब्रीथिंग अगेन ऑन देयर ओन आफ्टर सीजर तो उसके लिए आप वेट करो जो सबसे इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट की ट्राई टू स्टॉप द पर्सन मूवमेंट डो नोट ट्राई टू कीप एनी इन द माउथ टू अवॉइड इंजरी डो नॉट ऑफर्ड वाटर और फूड अंटिल द पेशेंट बिकम फुली अलर्ट है ना तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर करनी होगी चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट एडवाइस शुड अ नर्स गिव टू अ पेशेंट ऑन लिथियम थेरेपी बताओ देखें लिथियम थेरेपी के टाइम पे क्या क्या एडवाइस जो है वो देनी होती है वॉट एडवाइस शुड अ नर्स गिव टू अट ऑन लिथियम थे यहाँ पर बोला है कि एडवाइस आपको देनी है तो लॉर्ड्स ऑफ ड्रिंक वाटर है ना ये आप लोगों को लिथियम थेरेपी के टाइम पे करना होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो आप लोगों के लिए रहेगा की ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर

टू तो ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से भी पुट ऑन हो सकता है नेक्स्ट बात करते हैं प्रो लेवल की तो तो ये ये आप लोगों का मोर देन टू पॉइंट ओ एम जी और लीथियम टॉक्सिसिटी लीड्स की बात करें तो सेवियर लीड जो है स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ये सब लिथियम ट्रीटमेंट uh, के टाइम पे आप लोगों को यहाँ पर फील होता है नेक्स्ट बात करें कि नर्स शुड एडवाइज टू ड्रिंक फॉर टॉक्सिसिटी क्योंकि टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है इसके अलावा बात करते हैं ऑफ वाटर वैन पेशेंट इज ऐसा ऑन द लिथियम थेरेपी टू अवॉइड लिथियम द क्लाइंट शुड ड्रिंक द दिक्कस टू एट लार्ज ग्लासेज ऑफ वाटर ईच डे एंड अवॉइड द एक्सेसिव यूज टू बेवरेज एंड कंटेनिंग केफिन ये हो गया नेक्स्ट डू नॉट ड्राइव एंड द ऑपरेट द डेंजरस जो है मशीनरी अन द लिथियम लेवल आर स्टेबिलाईज एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिथियम शुड बी टेकन अलॉन्ग फूड डाइट शुड कंटेन द एक्वेट सॉल्ट पेशेंट शुड टेक अ लो कैलरी डाइट टू प्रिवेंट द वेट गेन ठीक है तो ये सारा लिथियम के uh, जो है वो ट्रीटमेंट के टाइम पे हम लोगों को पेशेंट को एडवाइस देनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आंसर करो क्या यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा व्हाट विल बी द वेरी राइट आंसर क्विकली ऑल ऑफ द फॉलोइंग होगी या फिर वेरी वेरी राइट आंसर है ना हम किस की बात कर रहे हैं कॉल के नम की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर रहेगा अब बात करते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर रहेंगी तो ये भी एक बार देख लेते हैं पहली चीज तो वे अपने पास में दो सौ छ हड्डियां हैं टू कैटेगरीज इसके अंदर आती है कि एक, एक आती है के अंदर चार चीजें हैं स्कल आ जाता है आपका स्टर्नम आ जाता है आपका इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है और रिब्स आ जाती है ये मिलकर बना रही हैं 80 बोन्स अपेंडिक्यूलर स्केलेटन की बात करते हैं तो अपने पास में यहाँ पर आता है व्हाट वी कैन से लिम्ब एंड गर्डल्स आर फॉर द टू टाइप द फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब फोर लिम्स के अंदर अगर बात करते हैं तो सिक्सटी बोन्स हाइंड लिम्ब के अंदर सिक्सटी बोन्स वन ट्वेंटी तो ये हो गई और सिक्स बोन्स आर प्रजेंट इन गर्डल्स वी है ना जिसमें क्या रेशो रहता है टू एंड फोर चलो

पेटेला फेबीला या फिर जो है, and PC form, और की बात करते है तो लार्ज स्ट्रॉन्ग बोन दट फॉर्म द बैक टू ऑफ दिनल इंफॉर्मेशन पैटेला फेबीला ये सब के बारे में अगर देखें तो की नी कैप मोस्ट एज फाउंड स्म एंड पेटर दट द अटैस द For the and easily form fabulous और इसी तरह आपके अनदर चीज़ें भी रहेंगी अगला प्रश्न अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप को अगर ई एस आई सी का बैच ज्वाइन करना है इफ़ यू वॉन्ट आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के मोबाइल एप्लीकेशन पर जा सकते हैं इसके बाद में आप मोबाइल एप्लीकेशन पर जाने के बाद में ऑल कोर्सेज के लिस्ट के अंदर जाइए ऑल कोर्सेज की लिस्ट के अंदर जाकर आप यूपीएससी वाले सेगमेंट में जाकर यूपीएससी ईएसआईसी को सेलेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास में ये एक बैच है इस बैच में आप एनरोल करवा सकते हैं ये बैच आपका कल से स्टार्ट हो रहा है बाय नाउ के ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पर कोड लगाएंगे कोड हमने कौन सा लगाना है वो भी हम देख लेते हैं तो कोड जो है वो हमारे हर सेशन के अंदर आप लोगों को दिख जाता है दैट इज वाई सिक्स नाइन एट ये वाई सिक्स नाइन एट अगर आप कोड लगाते हैं तो आप लोगों को ये बैच इकतालीस सौ रुपए के अंदर मिल जाता है दो साल के लिए ठीक है दैट इज द ऑल थिंग्स नाउ विल नेक्स्ट क्लास जो कि कल होगी टेल देन सी यू टेक केयर धन्यवाद